यूपी के फिरोजाबाद से एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ एक छात्रा ने सिकोहाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की ने टॉम बॉय बनकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दरअसल छात्रा उसे लड़का समझकर दिल दे बैठी थी, इसी दौरान उसने छात्रा से हजारों रुपए हड़प लिए, फिर ब्लैकमेल करने लगी। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जानकारी के मुताबिक लड़की ने लड़का बनकर न सिर्फ साथी छात्रा प्रीति को फंसाया बल्कि उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी। नौकरी दिलाने के नाम पर उससे पैसों की ठगी भी की, धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। तंग आकर पीड़िता छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। प्रीति ने बताया कि वर्ष 2022 में शिकोहाबाद में मांजुई नाम की एक लड़की उसके साथ पढ़ती थी, लेकिन एक दिन मांजुई ने बताया कि वो असल में लड़का है और उसका पूरा नाम मानव यादव है। मांजुई बीमार रहती है, इसीलिए वह मांजुई के भेष में क्लास में आता है ताकि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो जाए। प्रीति मानव और मांजुई की बातों में आ गई और उसके और उससे बातें करने लगी। बातचीत के दौरान मानव मांजुई ने फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए प्रीति को बताया कि वो सेना में जॉब करता है, अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। करीब 4 महीने तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही, इस दौरान प्रीति ने मानव को दिल दे बैठा। इसी बीच मानव ने कहा कि वो प्रीति के लिए जॉब छोड़ रहा है और दिल्ली आ रहा है, यहाँ उसे दूसरी जॉब में मेडिकल के लिए पैसों की जरूरत है। बकौल प्रीति, मांडवी उर्फ मानव ने उससे फरवरी में 15,000 रुपए एक बार और 45,000 रुपए दूसरी बार लिए थे। इसके बाद अपनी बहन के साथ मानव से मिलने जब प्रीति नोएडा गई तो कुछ दिन में उसका बर्ताव बदल गया। वो मारपीट करने लगा, लगातार पैसों की डिमांड करने लगा, अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे, उन्हीं के दम पर धमकी देने लगा। मानव यादव और मांडवी ने प्रीति की अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की थी। डर के मारे प्रीति नोएडा में फिरोजाबाद भाग आई और अपने घर वालों को पूरी कहानी बताई। अब घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल थाना शिकोहाबाद में मांडवी उर्फ मानव यादव, निवेदिता शिखा यादव, कमलेश देवी सभी मानव के परिजनों के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 406 के तहत FIR दर्ज की गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक देहात कुमार रणविजय सिंह की का कहना है कि इस तरह के मामले पहले भी संज्ञान में आए हैं, ये एक संवेदनशील मामला है, इसके हर पहलू पर जांच की जा रही है। ये जानकारी ली जा रही है कि मांडवी कौन है और वह स्टूडेंट है या नहीं है। वहीं शिकोहाबाद थाना अध्यक्ष हरविंद्र मिश्रा ने बताया कि अभी सर्विलांस की मदद से जाँच की जा रही है, क्योंकि इस तरह के ठगी करने वाले संगठित गिरोह भी मौजूद हैं। जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मांडवी ने मानव बनकर प्रीति को अपने जाल में फंसाया, फिर अश्लील फोटो ली और अब धमकी देकर पैसे ऐंठ रही है। असल में मानव लड़का है या लड़की, इसकी जांच की जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि लड़की ने टॉमबॉय बनकर धोखाधड़ी की है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।